वहां मौजूद थे 10 कंटेस्टेंट्स, एकदम मुझे मेरा ये प्लेटफॉर्म खाली लगने लगा, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ 4 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं और बहुत जल्द 4 में से हो जाएंगे 3। यहाँ इस वक्त जो लोग एलिमिनेट हुए हैं वो हैं 6 कंटेस्टेंट्स देखते देखते यहाँ से बाहर चले गए। सवाल ये पैदा होता है कि अब ज़ारा तुम, दानिश आप, आसिफ या फिर मोहम्मद आसिफ, आप में से कौन होगा वो एक कंटेस्टेंट जो इस राउंड में परफॉर्म नहीं करेगा। आपकी टीम की परफॉर्मेंस कुछ ऐसी है कि बैंक में आपके पास इस वक्त मौजूद है टोटल 89,500 रुपीज। इस अमाउंट को आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये है राउंड 7। राउंड 7 का मनी ट्रेल आपको बताती है। राउंड 7 का जो टॉप प्राइज है 20 लाख रुपए का। सारी गलतियां बैलेंस हो सकती हैं। सवाल नंबर 1 होगा 5,000 के लिए, दूसरा सवाल 10,000 के लिए, तीसरा 25,000 के लिए, चौथा सवाल 50,000, पांचवा 2.5 लाख के लिए, छठा 7.5 लाख, सातवां सवाल 15 लाख के लिए और आठवां 20 लाख रुपए के लिए। अगर आप 5 सवाल के सही जवाब देने के बाद बैंक करते हैं तो सीधा सीधा 2.5 लाख रुपए जमा कर लेते हैं। प्लीज चेन मत तोड़िए ताकि मैक्सिमम पैसे बैंक कर सके। ये राउंड होगा 2 मिनट का। राउंड 7 जहां प्राइस 20 लाख का है, एकदम टाइम गिरकर 2 मिनट पे आ जाता है, यानी 10 सेकंड मजीद कम हुए, 120 सेकंड आपके पास मौजूद है। देखना है कि आप लोग इस 120 सेकंड को कितना यूटिलाइज करते हैं, ये वक्त अपनी तरफ खींचते हैं या इस वक्त को अपने लिए मुश्किल बनाते हैं। डिसीजन इज योर्स। आसिफ, इस राउंड को शुरू करेंगे आपसे। 2 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। टोमोकाजू हरिमोटो एक फेमस जापानी स्पोर्ट्समैन है, इनका ताल्लुक कौन से गेम से है? टेबल टेनिस। करेक्ट। एक जवान इंसान के जिस्म में 206 हड्डियां होती हैं, ऑक्टोपस में कितनी बोन्स होती हैं? 0। कोई नहीं, करेक्ट जवाब। दानिश, पहला यूरोपियन जो 1505 में श्रीलंका पहुंचा वो पोर्चुगीज था, और उस पोर्चुगीज कैप्टन का नाम क्या था? लोरेंको डी अल्मेदा। करेक्ट। ज़ारा, हॉकी की एक किस्म आइस हॉकी है, 2012 की वर्ल्ड आइस हॉकी चैंपियनशिप किस मुल्क ने जीती थी? रशिया। करेक्ट। आसिफ, सिडनी की इस मशहूर बिल्डिंग का नाम बताएं जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। सिडनी ओपेरा हाउस। करेक्ट। आसिफ, अगस्त 17, 1988 को पाकिस्तान के साबिक सदर जियाउल हक का प्लेन क्रैश हुआ था, इस हादसे में कितने लोग हलाक हुए थे? 2। गलत जवाब, 30 लोग। दानिश, लेक टैंगनयीका का शुमार दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील में होता है, ये लेक किस कॉन्टिनेंट में मौजूद है? अफ्रीका। करेक्ट। ज़ारा, डायमंड का शुमार कीमती तरीन स्टोन्स में होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा डायमंड किस मुल्क में निकाले जाते हैं? रशिया। करेक्ट। मोहम्मद आसिफ, यूनेस्को जो यूएन का एजुकेशन साइंस और कल्चर से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट कब कायम हुआ? 16 नवंबर 1945। करेक्ट। आसिफ, आवाज सुनकर बताइए किस पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर की आवाज है? यूं करो तो अंदर आ गया, यूं करो तो बाहर निकल गया। मोहम्मद आसिफ। करेक्ट। दानिश, बैंक। कुवैती खवातीन को 2005 में वो कौन सा राइट मिला था जो बाकी ममालिक की खवातीन के पास पहले से मौजूद था? पास। वोट डालने का राइट। पाकिस्तान के चारों सूबों में 37 डिविजन्स हैं, इन डिविजन में मौजूद डिस्ट्रिक्ट्स की टोटल कितनी तादाद है? 160। करेक्ट। आसिफ, इस्लामी और वेस्टर्न कैलेंडर दोनों में मंथ की तादाद 12 है, वो कौन सा कैलेंडर है जिसमें 13 महीने होते हैं? इथियोपियन कैलेंडर। करेक्ट। आसिफ, बैंक। डिफरेंट स्पोर्ट्स में टीम की अलग तादाद होती है, बास्केटबॉल की टीम में कितने मेंबर्स होते हैं? 12। गलत जवाब, सही जवाब है 5, और यहां आपका 2 मिनट का वक्त होता है पूरा। 120 सेकंड पूरे हुए। मुझे लगता है इस दफा टीम ने बेहतर खेला, बेहतर खेलने के बावजूद भी अफसोस की बात यह है कि आप में से कोई एक होगा एलिमिनेट। एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है अब। आपके सामने टैबलेट्स मौजूद है, मुझ तक वो नाम पहुंचाए जो राउंड 8 में नहीं जाएगा। ज़ारा, मोहम्मद, आसिफ की परफॉर्मेंस अच्छी रही, दानिश और आसिफ ने पास कहा और दिए गलत जवाब, किसकी परफॉर्मेंस बुरी रही, कौन होगा एलिमिनेट, ये तो मेजॉरिटी वोट्स ही फैसला करेंगे। ऑल राइट जी, नाम मेरे पास आ चुके हैं। दानिश, व्हाई दिस
कंटेस्टेंट, क्यों? मैम मेरे हिसाब से वो आगे निकल जाएंगे। ओ, आपको लगता है? मैं उन्हें काटना चाहता हूँ। ओके। ज़ारा, क्यों यही नाम? क्योंकि ये बहुत स्लो खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये आगे जा पाएंगे हम लोगों के साथ। बाय आसिफ, क्यों इस कंटेस्टेंट का नाम ले रहे हैं? बस अब उन्हें जाना चाहिए क्योंकि अच्छा भी नहीं खेल रहे और परफॉर्म भी नहीं कर रहे, दैट्स इट। और आपने ये नाम क्यों लिखा आसिफ, मोहम्मद आसिफ? मैम एक राउंड में सही खेलती है तो दो राउंड में वो बैट खेलती है। एक राउंड में सही खेलती है, दो राउंड में बैट खेलती है, लेकिन यहाँ जो मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं आपको आगे नहीं जाना चाहिए। राउंड 7 से राउंड 8 में मोहम्मद आसिफ वो शख्स, वो कंटेस्टेंट आप हैं जो इस टाइटल के करीब नहीं जा पाएंगे, यानी ये राउंड आपका आखिरी राउंड होगा। मैम ओवरऑल तो मैं बेस्ट खेल रहा हूँ। ओवरऑल आपने डेफिनेटली अच्छा खेला होगा, लेकिन ये डिसीजन मुझ पे नहीं बल्कि इन पर है और मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी का। थैंक यू। केपीके से या मरदान से इस शो के लिए आया था और पॉलिटिक्स के नज़र हो गया मैं यहाँ, तमाम लोगों ने मेरे साथ पॉलिटिक्स की और मुझे एलिमिनेट कर दिया। एक मिनट में आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. Captain! किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।